गुड मॉर्निंग क्लास आवर टूडेज़ टॉपिक इज़ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इन ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल मैनेजमेंट होती क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ वर्क एक्टिविटी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है सिस्टम की उसको क्या हैंडल करता है उन्हीं एक्टिविटीज़ में एक टास्क उसका क्या है फाइल्स को मैनेज करना ठीक है ना फाइल बेसिकली क्या होती है अ फाइल इज़ अ क्लेक्शन ऑफ स्पेसिफ़िक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अ फाइल क्या है एक फ़ाइल क्या है काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि कहाँ पे स्टोर है मेमोरी की पर्टिकुलरली लोकेशन पे तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है एक सिस्टम में लॉट ऑफ फाइल्स हो सकती हैं उन सभी फाइल्स को कौन हैंडल करता है मैनेज कौन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट फाइल मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम है उसमें लॉट्स ऑफ फाइल्स हैं और हर एक फाइल सेम फॉर्मेट की तो नहीं हो सकती डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन की होगी तो उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन की फाइल्स को कौन हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग फाइल्स इन कंप्यूटर सिस्टम इट मैनेजमेंट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग द फाइल्स फाइल मैनेजमेंट क्या करता है फाइल्स को मैनिपुलेट करता है और डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेस है वो क्या है जैसे क्रिएट करनी फाइल मॉडिफाई करनी डिलीट करनी ये सारे क्या प्रोसेसिस है? हैं इन सभी को कौन हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है दे आर लॉट ऑफ टास्क विच आर परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क कौन है फ़ाइल्स के रिलेटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है वो है द फर्स्ट वन इज़ इट हैल्पस टू क्रिएट न्यू फाइल्स इन कंप्यूटर सिस्टम एंड प्लेस दैम एट द स्पेसिफिक लोकेशन द फर्स्ट वन इज़ क्रिएट न्यू फाइल्स अगर कोई फाइल नहीं होगी तो आगे फंक्शन हम क्या परफॉर्म करेंगे तो फर्स्ट वन इज़ क्रिएट न्यू फाइल्स फ़ाइल्स को क्रिएट करना और उन्हें क्या एक स्पेसिफिक लोकेशन पर स्टोर करना मेमरी में ठीक है ना मेमोरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है तो एक उसको प्रॉपर एड्रेस देना पड़ेगा ना फाइल को ताकि उसको नेक्स्ट टाइम अगर हमने असेस हो तो ईजिली असेस कर सके द सेकेंड वन इज इट हेल्प्स इन ईजिली एंड क्विकली लोकेटिंग दिस फाइल्स इन कंप्यूटर सिस्टम हमने फाइल कर दिए क्रिएट उसको एक लोकेशन पे स्टोर कर दिया नेक्स्ट टाइम हम जब यूज़र असेस करना चाह रहे हैं तो उस फ़ाइल को ईजिली क्या लोकेट कर सके क्विकली असेस कर सके अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मतलब फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट को एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पा रहा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है द थर्ड वन इज़ इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ द फाइल्स अमंग डिफरेंट यूजर्स वेरी इजिल एंड यूज़र फ्रेंडली अगर फाइल है उसको क्या यूज़र ने शेयर करना है तो उस टास्क को क्या है ईजी बना देता है ऐसा नहीं कि अगर हमने फाइल को शेयर करना तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम या एल्गोरिथम लगेगा नो no. क्या यूज़र फ्रेंडली है अगर यूज़र ने फाइल शेयर करनी तो है तो इजीली क्या शेयर कर सकता है द फोर्थ वन इज़ इट हैल्प्स टू स्टोर्स दी फाइल्स इन सेपरेट फोल्डर नोन एज डायरेक्टरीज अगर एक ही फाइल है उसमें डिफरेंट डिफरेंट हमने डिफ एक ही फोल्डर में सारी फ़ाइल्स रखी हुई हैं तो वो क्या है उनको असेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा टाइम कंज्यूम ज़्यादा होएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है फाइल्स को डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में डिवाइड कर देता ठीक है ना कुछ डाटा एक फोल्डर में रख दिया कुछ डाटा बी फोल्डर में रख दिया उन फोल्डर्स को हम क्या कहते हैं डायरेक्टरीज ठीक है ना ये डायरेक्टरी क्या करती है डीज डायरेक्टरीज हेल्प यूजर टू सर्च फाइल्स क्विकली और टू मैनेज द फाइल्स अकॉर्डिंग टू देर टाइप्स ऑफ यूज़र डायरेक्टरी हमने डिवाइड कर दी है फाइल्स को अब यूज़र ने असेस करना है ए डायरेक्टरी में जाना तो ए डायरेक्टरी से उसको डाटा मिल जाएगा उसको बी डायरेक्टरी के डाटा को असेस करने की ज़रूरत नहीं है ये डिवीज़न का मेन मोटो यही है कि टाइम सेव करना टाइम सेव करेगा मतलब एफिशिएंसी इनक्रीज होगी द लास्ट वन इज़ इट हेल्प्स द यूज़र टू मॉडिफाई द डाटा ऑफ द फाइल्स और टू मॉडिफाई द नेम ऑफ द फाइल इन द डायरेक्टरी अब फाइल क्रिएट कर दिए एक बार ही अगर हमने फाइल क्रिएट कर दी ऐसा नहीं कि वो सिर्फ रीडेबल फाइल बन जाएगी नो no. अगर यूज़र ने उसमें मॉडिफिकेशन चेंजेस करनी है तो वो क्या है ईजिली कर सकता है मतलब मॉडिफ़ाई कर सकता है फ़ाइल को और उसके नेम को भी क्या है मॉडिफ़ाई कर सकता है ठीक है ना जैसे हम सिस्टम में क्या करते हैं एबीसी नाम की हमने कोई फ़ाइल सेव कर ली नेक्स्ट टाइम हम क्या उसको रीनेम कर सकते हैं एबीसी की जगह वन टू थ्री लिख सकते हैं वो क्या मॉडिफ़ाई ईजिली कर सकता है जैसे यहाँ पे डायग्राम क्या शो कर रहा है एक रूट डायरेक्टरी है जो कि बेस है बे उसने क्या किया फर्दर डिवीजन की हुई है डायरेक्टरी वन डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी थ्री जैसे डायरेक्टरी टू में आगे फर्दर क्या है फाइल्स हम हमारी पड़ी हुई है फाइल वन फाइल टू अगर डायरेक्टरी हमने क्रिएट कर दी ऐसा नहीं कि उसमें हमने हम फर्दर सब डिवीजन नहीं कर सकते जैसे डायरेक्टरी टू में क्या है आगे फर्दर एक सब डायरेक्टरी बन रही है ताकि हम क्या है प्रॉपर फाइल को मैनेज कर दें द मोटिव ऑफ द दिस थिंग इज कि डायरेक्टरी क्यों बनाए ताकि हमारा डाटा क्या है मैनेज हो जाए जैसे हमने कहा फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम है कि फाइल को मैनेज करना तो ये फाइल्स को मैनेज करने का बेस्ट वे है कि डायरेक्टरीज क्रिएट कर दो सो दे आर आर लॉट ऑफ ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म ऑन दी फाइल्स सो दीज आर दी सिक्स ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन द फाइल द फर्स्ट वन इज क्रिएट क्रिएट मतलब फाइल को क्रिएट करना अगर कोई फाइल हम क्रिएट ही नहीं करेंगे तो फर्दर ऑपरेशन हम क्या करेंगे ठीक है ना तो फाइल को क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक्सटेंशन एक टाइप की फाइल ही क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकता है नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स क्या है क्रिएटेड बाय डिफरेंट मेथड्स ठीक है ना जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स आर क्रिएटेड बाय डिफरेंट मेथड्स फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एडिटर्स आर यूज टू क्रिएट आर टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट एडिटर क्या करते हैं टेक्स्ट फाइल जनरेट करने में हेल्प कर सकता है वर्ड प्रोसेसर आर यूज टू क्रिएट अर वर्ड फाइल ठीक है ना एंड इमेज एडिटर्स आर यूज टू क्रिएट द इमेज फाइल्स डिफ फाइल को क्रिएट करना तो इम्पॉर्टेंट है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन की फ़ाइल को भी तो क्रिएट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है ऐसा नहीं तो सिर्फ एक ही सिस्टम में सिर्फ वर्ड की फाइल्स हों नो डिफरेंट डिफरेंट एक टाइप्स ऑफ फाइल्स भी ईजिली क्रिएट कर सकता है नेक्स्ट वन इज राइट राइटिंग द फाइल इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिएटिंग द फाइल ऑफ कोर्स क्रिएट करते हैं अब उसमें हमने राइट रखेंगे तो मतलब कि हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ए मेंटेन ए राइट पॉइंटर फॉर एवरी फाइल विच पॉइंट्स टू द पोजीशन इन द फाइल फ्रॉम विच द डाटा नीड्स टू बी रिटर्न जैसे पॉइंटर्स है सी में है कि पॉइंटर्स क्या है एक स्पेसिफिक लोकेशन को पॉइंट कर देता है कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है डाटा को राइट करना यहाँ से नीड है हमें डाटा को रिटर्न करने की तो वो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स क्या है हम इजीली क्या है फाइल में डाटा राइट कर सकते हैं द थर्ड वन इज रीड ठीक है ना कि जैसे यहाँ पे भी हमारा क्या है रीड पॉइंटर यूज़ हुआ जाता है कि रीड पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से फाइल के हम रीड आउट करनी स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है ना उसी तरह रिपोजिशन करना कि रिपोजिशन करना मूविंग द फाइल्स पॉइंटर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिपेंडिंग ऑन द यूजर्स रिक्वायरमेंट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सीकिंग रिपोजिशन को हम और क्या कह सकते हैं सीकिंग कि फाइल पॉइंटर्स हैं हमने फाइल पॉइंटर्स बनाए हुए हैं राइट का बनाया हुआ रीड का बनाया उसको हम क्या चेंजेस भी कर सकते हैं ऐसा नहीं कि एक पॉइंटर सेट कर दें यहाँ से फाइल रीड आउट करनी है अगर हमारा मन है कि हम वो रीड पॉइंटर को चेंज करना चाह रहे हैं रीपोजिशन करना चाह रहे हैं तो वो क्या हम आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं आगे भी चेंज कर सकते हैं पीछे भी लेके जा सकते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं सीकिंग द फिफ्थ वन इज़ डिलीट डिलीटिंग द फाइल विल नॉट ओनली डिलीट ऑल द डाटा स्टोर इनसाइड द फाइल इट आल्सो डिलीट ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल ठीक है ना अगर हम कोई चीज़ फाइल डिलीट कर देते हैं वो क्या है प्रॉपर्ली डिलीट हो जाती है ऐसा नहीं कि सिर्फ तो लेआउट उसका फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर रह जाता है नहीं प्रॉपर्ली डिलीट हो जाती है ट्रंकेट ट्रंकेट इज़ सिंपली डिलीटिंग द फाइल एक्सेप्ट डिलीटिंग एट्रीब्यूट्स जैसे वो फिफ्थ पॉइंट में क्या है डिलीट प्रॉपरली कर देता है ठीक है ना उसके जो एट्रीब्यूट्स है उसको भी डिलीट कर देता है पर ट्रंकेट क्या करते फाइल को डिलीट कर देता पर उसके एट्रीब्यूट्स को डिलीट नहीं करता जैसे वट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स अब एट्रीब्यूट्स क्या हैं ठीक है ना कोई भी फाइल है उसका क्या है ए फाइल हैज़ ए नेम एंड डाटा फाइल है उसका एक नेम होगा क्योंकि बिना विदाउट नेम हम क्या उसको असेस नहीं कर सकते फाइंड आउट नहीं कर सकते उसकी लोकेशन फाइंड कर सकते तो हर एक फाइल का एक प्रॉपर यूनिक नेम होना चाहिए ठीक है ना और क्या उसमें फाइल में डाटा भी होना चाहिए ठीक है ना तो डिफरेंट एट्रीब्यूट जैसे हमने ऊपर बात की है कि डिलीट ऑपरेशन क्या करता है पूरी डिलीट विद दिए विद एट्रीब्यूट्स डिलीट कर देता है बट ट्रंकेट क्या करता है एट्रीब्यूट्स नहीं बाकी सारी फाइल हमारी डिलीट कर देता है तो सो so, एट्रीब्यूट्स क्या है दिस आर एट्रीब्यूट्स द फर्स्ट एट्रीब्यूट्स इज़ नेम ठीक है ना नेम क्या है एक ओनली एट्रीब्यूट है जो क्या है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है बाकी सारा कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है नेम अगर ए बी सी को हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं तो हमें फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हमारी एक्चुअल फाइल कौन सी है हमने जो क्रिएट की थी वो फाइल कौन सी है तो इसके ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ही करना पड़ता है तो फर्स्ट एट्रीब्यूट इज़ नेम सेकेंड एट्रीब्यूट इज़ आइडेंटिफायर एवरी फाइल इज़ आइडेंटिफाइड अ बाई अ यूनिक टैग नंबर विद इन अ फाइल सिस्टम नोन एज एज आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई के हर एक फाइल है उसका क्या एक यूनिक टैग नंबर होता है यूनिकनेस क्यों ज़रूरी है अगर हमने फाइल बनाई है सेम ही नाम की है तो हमें क्या कैसे पता चलेगा कि यूज़र किस फाइल को असेस करने की ट्राई कर रहे हैं तो वो हम किसके थ्रू जान सकते हैं देयर टैग नंबर थर्ड वन इज़ लोकेशन कि हमारी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी है लोकेशन ये करती है पॉइंट बताती है कि कहाँ पे हमारी एग्जैक्ट मेमोरी की कौन सी लोकेशन हमारी फाइल पड़ी हुई है द नेक्स्ट वन इज़ टाइप दिस एट्रीब्यूट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम्स दैट वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल अगर एक सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की फाइल है तो वहाँ पे हमें टाइप को भी मेंशन करना पड़ेगा एट्रीब्यूट टाइप भी तो लेना पड़ेगा कि किस किस तरह की फाइल है टेक्स्ट फाइल है वर्ड फाइल है कौन सी फाइल है ठीक तो है नेक्स्ट वन इज साइज साइज एट्रीब्यूट क्या करता है साइज एट्रीब्यूट यूज टू डिस्प्ले द करंट फाइल साइज कि फाइल का हमारा करंट साइज क्या है वो कौन डिस्क्राइब करता है साइज एट्रीब्यूट नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन दिस एट्रीब्यूट and एंड कंट्रोल access राइट्स ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड executing द फाइल प्रोटेक्शन क्या करता है कि किसको सिर्फ फाइल को रीड करने की प्रिवलेज देनी किस को राइट करने की देनी किस को एग्जीक्यूट करने की वो सारा क्या protection है प्रोटेक्शन हैंडल करता है नेक्स्ट वन इज टाइम डेट एंड सिक्योरिटी ये वही है इट इज यूज फॉर प्रोटेक्टिंग सिक्योरिटी एंड एंड आल्सो यूज फॉर मॉनिटरिंग हर एक फाइल का एक प्रॉपर टाइम होता है कि किस टाइम पे हमारी ये फाइल क्रिएट हुई है मॉडिफाई हुई है सारा कुछ आता है डेट अलोंग विद डेट की कौन सी डेट पे सिक्योरिटी सो दीज आर दी फाइल एट्रीब्यूट्स बेसिकली हम सिस्टम में कोई फाइल होती है उस पर देखोगे कोई भी फाइल है वहाँ पे नीचे सब सारा कुछ लिखा हुआ होता है कि कौन सी फाइल है फाइल का नेम क्या है मेमोरी की कौन सी लोकेशन पे है कितने साइज़ की फाइल है कितनी डेट को क्रिएट हुई है या फिर मॉडिफाई हुई है और कितने टाइम पे हुई है ये सारा क्या फ़ाइल्स के एट्रीब्यूट है कंप्यूटर में अगर आप फाइल्स ओपन करोगे किसी भी फाइल पे क्लिक करोगे तो नीचे बॉटम में आ जाता है कि फ़ाइल का नेम क्या है किस डेट को क्रिएट हुई थी किस डेट को मॉडिफाई हुई थी कितने टाइम पे हुई थी मेमोरी में कहाँ स्टोर हुई है कौन सी लोकेशन है किस तरह की फाइल है अगर इमेज पे क्लिक करोगे तो नीचे आ जाएगा अगर जेपीजी इमेज है तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा टाइप इक्वल टू जेपीजी तो ये सारे के फाइल्स के एट्रीब्यूट सो दिस इज ऑल